गाइस गाइस आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सब मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आप सबके पास भी अगर कोई स्टोरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है तो वहाँ से चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है शैतान साधु और छोटा राजकुमार। एक राजा था, वो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था लेकिन दुखी रहता था। उसके दुख से प्रजा भी दुखी थी। दुख का कारण था कि राजा के कोई संतान नहीं थी। एक बार राजा जंगल में शिकार खेलने गया, वहाँ उसे एक साधु मिला। राजा ने उसे अपने दुख की बात बताई। साधु ने उसके सामने एक शर्त रखी कि यदि तुम अपनी पहली संतान मुझे देने का वचन दो तो मैं तुम्हें संतान सुख दे सकता हूँ। राजा मान गया। साधु ने उसे 4 बेर दिए, कहा रानी को खिला देना। राजा ने वैसा ही किया। फलस्वरूप राजा के घर में 4 पुत्र पैदा हुए। राजा अपना वचन भूल गया। अचानक साधु 20 साल बाद आया और राजा को उसका वचन याद दिलाकर बड़े पुत्र को ले गया। बहुत दिन बीत गए, बड़ा पुत्र वापस ना आया। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि मैं भाई की खोज खबर लेकर आता हूँ। वह जंगल में गया, वहाँ उसे एक कुटिया दिखाई दी। छोटा राजकुमार साहसी था, वो कुटिया में घुस गया तो वहाँ उसने एक तहखाना देखा। तहखाने में एक देवी की मूर्ति थी जिसके पास एक रक्त कुंड था। देवी के आसपास ढेर सारे सिर टंगे हुए थे जिनमें एक सिर उसके भाई का भी था। ये देखकर राजकुमार को बड़ा दुख हुआ। उन सिरों ने छोटे राजकुमार को देखकर हंसना शुरू कर दिया। तब बड़ा राजकुमार बोला, छोटे भाई तुम यहाँ क्यों आए हो? भैया मैं आपको ले जाने आया हूँ, मुझे बताओ आपकी ये दशा किसने की, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूँगा, कहकर उसने तलवार निकाल ली। तब बड़े भाई ने कहा, भाई मेरा यहाँ से चलना असंभव है, वह साधु एक राक्षस है, उसने देवी को मेरी बलि चढ़ाकर मेरा सिर यहाँ टांग दिया है, तुम शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ नहीं तो वह तुम्हारी भी बलि चढ़ा देगा। तब छोटा राजकुमार बोला, नहीं भाई मैं आपको लेकर ही जाऊँगा, तो फिर इसकी एक तरकीब है। ये बोलकर बड़े राजकुमार ने उसे एक तरकीब बताई। छोटा राजकुमार राजी हो गया। तभी साधु वहाँ आया, वह छोटे राजकुमार को देखकर पहले नाराज़ हुआ, फिर बोला, तुम सिर झुकाकर देवी को नमस्कार करो। तब छोटे राजकुमार ने कहा, महाराज मैं राजपुत्र हूँ इसीलिए आज तक किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, तो पहले आप देवी को प्रणाम करके बताइए कि मुझे सिर कैसे झुकाना है। फिर जैसे ही साधु ने उसे बताने के लिए देवी की प्रतिमा के आगे झुका, झट से राजकुमार ने तलवार से उसकी गर्दन काट दी। साधु एक भयानक राक्षस बन गया, मगर छोटे राजकुमार ने उसे देखा भी नहीं और वहीं रखे अमृत कलश में से अमृत लेकर सभी खोपड़ियों पर छिड़क दिया। सभी जिंदा हो उठे, वे सभी राजकुमार थे। सबने छोटे राजकुमार की बहुत बहादुरी की, बहुत प्रशंसा की और सब अपने अपने राज्य को चले गए। वे दोनों राजकुमार भी अपने राज्य को लौट गए। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसी लगी, शैतान साधु और छोटा राजकुमार, हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।